भारतीय वेद परंपरा व वेद के महत्व का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है, समस्त जगत काल के अधीन है। काल के सम्यक ज्ञान के लिए हमारे वेदों में वेद की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गणना को शुद्ध और सूक्ष्म बनाने के लिए वेधशालाओं का प्रयोग किया जाता है। पंचांग के मान में अशुद्धता का परिमार्जन वेधशालाओं के द्वारा ही किया जाता है। वैद शब्द का निर्माण विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है किसी आकाशीय ग्रह अथवा तारे को दृष्टि के द्वारा वेदना अर्थात विद करना। ग्रहों तथा तारों की स्थिति ज्ञान हेतु आकाश में उन्हें देखा जाता है। आकाश में ग्रहों को देखकर उनकी स्थिति का निर्धारण करना ही वेद है। अत्रि महर्षियों ने ग्रहण का वेद किया था। इसी प्रकार अथर्ववेद, ब्राह्मण, गृह सूत्रों और शुल्ब सूत्रों में वेद की प्रक्रिया का उल्लेख स्पष्ट प्राप्त होता है। वेद जिन साधनों के द्वारा किया जाता है उन्हें वेद यंत्र कहा जाता है। वेद यंत्रों में शंकु यंत्र का उल्लेख अत्यंत प्राचीन है। वेद प्रक्रिया और वेदशाला की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन काल से भारत में विद्यमान थी और भारत से यह ज्ञान धीरे धीरे यूरोप, ग्रीक और अरब देशों में प्रसार को प्राप्त हुआ और वहां के ज्योतिषियों ने इस वेद प्रक्रिया में पर्याप्त अभिरुचि का प्रदर्शन किया। कालांतर में इसकी आवश्यकता को समझकर भारतीयों ने अचल यंत्रों की स्थापना करके वेधशालाओं का निर्माण किया। सिद्धांत और करण ग्रंथों से ग्रह स्पष्ट लाने और ग्रह स्थिति को देखने से जो अंतर प्राप्त होता है उस गणना को शुद्ध और सूक्ष्म बनाने के लिए वेधशालाओं का प्रयोग किया जाता है। पंचांग के मान में अशुद्धता का परिमार्जन वेधशालाओं के द्वारा ही संभव है। भारतीय वैद्य परंपरा का स्वर्णिम काल महाराज सवाई जयसिंह के काल से आरंभ होता है। यद्यपि जयसिंह के पूर्ववर्ती कुशल देवज्ञों ने भी वैद्यशालाओं का निर्माण कर वैद्य कार्य को संपादित किया था, फिर भी वैद्यशालाओं की परंपरा में सवाई जयसिंह की तरह सुव्यवस्थित और व्यापक कार्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में और कहीं दिखाई नहीं देता। जयसिंह का समय 1686 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक माना जाता है। महाराजा को ज्योतिष और वेद इत्यादि का अत्यंत ज्ञान था और वे इस कार्य में रुचि भी लेते थे। तत्कालीन करण आदि ग्रंथों से प्राप्त मान दृक् तुल्य नहीं होते थे और बहुत अंतर पड़ता था। इसलिए महाराजा सवाई जयसिंह ने इस गणना को शुद्ध करने का संकल्प किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियन खगोल शास्त्रियों को आमंत्रण दिया। सभी विद्वानों का सम्यक सहयोग लेकर सर्वप्रथम महाराज ने दिल्ली में एक वेधशाला बनाई। इसके पश्चात जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी वेधशालाएं स्थापित की गई। ये वेधशालाएं इसलिए बनवाई गई थी कि विभिन्न स्थानों पर एक साथ वैध करने पर स्पष्टांतर आदि का संस्कार यदि कर दिया जाए तो वैध द्वारा प्राप्त सर्वत्र का मान एक होना चाहिए, इससे शुद्धता का बोध होगा। सवाई जयसिंह की इच्छा से इनके गुरु जगन्नाथ सम्राट ने जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में अनेक बार वैध कर ग्रहों की गति, स्थिति आदि का निर्धारण किया था और इनके द्वारा किए गए वेदों से प्राप्त परिणामों का उल्लेख सिद्धांत सम्राट ग्रंथ में दिखाई देता है। जयसिंह के अनंतर आधुनिक वेधकर्ताओं में सर्वप्रथम वेंकटेश बापू शास्त्री केतकर महोदय का नाम स्मरणीय है। इन्होंने केतकी गणित नामक ग्रंथ की रचना की। 1835 ईस्वी में उड़ीसा के सामंत चंद्रशेखर का भी वेद के क्षेत्र में योगदान स्मरणीय है। उन्होंने वेद द्वारा सिद्धांत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। ज्योतिष शास्त्र की आधुनिक वेद परंपरा में डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कल्याण दत्त शर्मा इत्यादि देवज्ञ अभिनंदनीय और स्मरणीय है। अमेरिका की तीन वेदशालाएं प्रमुख है, लिंक वेधशाला, प्रोफेसर लॉवेल की वेधशाला और हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्थित वेधशाला। रामनाथ सहाय के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में फ्लोमर पर्वत पर स्थित वेधशाला आधुनिक वेधशालाओं में अग्रणी है। आधुनिक भारतीय वेधशालाओं में मद्रास वेधशाला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण जल पोतों के आवागमन हेतु ग्रह नक्षत्रों की सहायता से काल एवं दिशा ज्ञान के लिए किया गया था। नैनीताल वेधशाला उत्तरांचल प्रदेश के नैनीताल शहर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1655 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यह वेधशाला उत्कृष्ट रूप में खगोल विषय पर अनुसंधान में प्रयत्नशील है। इन आधुनिक वेधशालाओं के अतिरिक्त राष्ट्र के अनेक भागों में कृत्रिम तारामंडल भी स्थापित किए गए हैं। वेधशाला का निर्माण स्थल ऐसे स्थल पर होना चाहिए जहाँ पर संपूर्ण आकाश
बिना किसी अवरोध के दिखाई देता हो, जहां पर सूर्य आदि ग्रहों का उदयास्त सम्यक प्रकार से दिखाई देता हो, समुद्र के किनारे या पर्वत की चोटी पर वैधशाला का निर्माण कराना समुचित होता है। वैधशाला का निर्माण स्थल पेड़ों आदि से रहित तथा रात्रि में प्रकाश से रहित होना भी आवश्यक है, जिससे रात्रि में ग्रह और तारे समुचित रूप से दृष्टिगोचर हो सके। वैधशाला में प्राय सभी यंत्र यामोत्तरीय रेखा पर निर्मित होते हैं, अतः जिस स्थान पर वैधशाला का निर्माण करना हो वहां समुचित यामोत्तर रेखा जानना बड़ा आवश्यक है। ऐसे स्थान पर स्थानीय स्पष्ट मध्यान्ह काल में एक शंकु की स्थापना करके यह देखना चाहिए कि उसकी छाया किधर पड़ रही है। जिस ओर शंकु की छाया पड़ेगी वही उत्तर दिशा होगी। शंकु के मध्य छाया को उत्तर दक्षिण बढ़ा देने पर यही याम्योत्तर रेखा होती है। इसी रेखा पर भित्ति आदि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार प्राचीन काल में ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए जो सारणियां ग्रह लागव मकरंद सारणी करण कतूहल आदि ग्रंथों में बनाई गई थी, वे आज बहुत ही स्थूल हो गई है और उनसे साधित पंचांग नितांत अशुद्ध हो रहे हैं। अतः पंचांग शोधन के लिए वैधशालाओं का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम संक्षेप में कहें तो सिद्धांत ग्रंथों में जिन यंत्रों का विधान किया जाता है, उन यंत्रों के द्वारा ग्रह देखने की प्रक्रिया को वेद कहते हैं, और जहां इस प्रकार के यंत्रों को एक साथ रखकर ग्रहों की गति स्थिति आदि का सतत परिश्रण किया जाता है, उसे वैधशाला कहते हैं। आधुनिक युग में दूरदर्शक आदि अति आधुनिक वैध यंत्र आविष्कृत हो चुके हैं, और आजकल प्राय इन्हीं आधुनिक यंत्रों की सहायता से वैध कार्य संपादित किया जाता है। धन्यवाद।